हेलो गाइस, फिर से आपका एक और पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल आपने जैसे इसकी अनबॉक्सिंग देखी होगी अगर वीडियो में, तो आपको इसका जल्दी से अपडेट देने वाला था मैं कि इसका साउंड टेस्ट भी हम करने वाले थे। अभी इसको पूरा मैंने सेटअप कर लिया, बहुत इजी सेटअप है दोस्तों। आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, सब प्लग एंड प्ले वाला काम है। आपको जो कलर कोड दिए हुए हैं उस हिसाब से, इसको कलर कोड के हिसाब से इसकी पिन को अटैच करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कलर कोड कैसे लगते हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पे कलर कोड रहते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑक्स कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ HDMI आउट है ये, और ये TV इन है। तो इस टाइप से पूरा सेटअप रहता है ये, और यहाँ कलर कोड दिए हुए रहते हैं, देख सकते हैं रेड, और इधर ये देख सकते हैं आप लेफ्ट में वाइट। यहाँ पूरे कोड दिए हुए हैं, कोड के हिसाब से कनेक्ट करना रहता है, देखें। और ये पावर प्लग यहाँ पे लगाना रहता है आपको, ये इस टाइप से अटैच करना है आपको, और ये आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर ये उड़न वाला कुछ मटेरियल लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मैं। सारे स्क्रू से टाइट है, और ये वाला फाइबर पार्ट है ये, यहाँ पर ये भी फाइबर है, इसके ऊपर टेक्सचर लगा हुआ है। ये स्पीकर की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से डिज़ाइन और टेक्सचर बना हुआ आता है। ये ग्रिल है, और ये ग्रिल भी अच्छी हैवी वाली है, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखें इसमें ये स्पीकर सिस्टम मेड, बता दूँ आपको मैं, और ये कोड इसमें दिए हुए हैं इसके, और ये यहाँ पर इसकी बार दी हुई है। तो ये भी इस टाइप से ऊपर से मैट फिनिशिंग में दी हुई है, काफ़ी अच्छी लगती है लगने के बाद में। और ये यहाँ पे इसकी ग्रिल है स्पीकर की, सारा प्लग एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ में आपको दोस्तों सारी केबलें वगैरह मिल जाती है अटैच करने की आपको, जो यूज़ में आने वाली वो। और ये रिमोट दिया हुआ है दोस्तों, और इसके साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं जो साथ में आई है। तो एक तो आपको ये वारंटी कार्ड इसका साथ में मिल जाता है सोनी का, इसको संभाल के रखना है आपको, ये यूज़फुल है आपका। और दूसरा आपको ये मिलने वाला है सोनी के ही इसमें सेल भी दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये सेल भी इसके साथ में ही आते हैं। बट मैंने ध्यान से देखा नहीं था, ये पैकेट में ही रह गया था, तो मैं दूसरे एवरीडी के लगा दिए थे, बाकी सोनी के सेल इसके साथ में आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये कुछ इस टाइप से सेटअप था दोस्तों। अब इसका अपन साउंड सुनते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसमें कोई ट्रबल बेस सेट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। सिनेमा, म्यूज़िक, वोकल, लाइट, ऑडियो और स्टैंडर्ड टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे। सब वूफर के वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, सब वूफर का वॉल्यूम ऐसे भी कम ही रहता है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ से गार्डनों को डायरेक्ट चेंज भी कर पाएंगे, कोई से भी ऑप्शन से कनेक्ट करें आप। तो स्पीकर का वायर दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, मतलब 20 फीट तक के कमरे में आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे, काफ़ी लंबा वायर है ये। इसका सेटअप करता हूँ, फिर आपको और अच्छे से बताऊंगा मैं इसको सेटअप करने के बाद में, ठीक है दोस्तों? आप बन रही मेरे वॉल्यूम दोस्तों 12 पे देखें आप, इसका कुछ इतना सा वॉल्यूम आता है, हल्का सा देख सकते हैं आप। फिर इसको मैं 14 पे ले आता हूँ, तब अभी 37 पे देखें वॉल्यूम इसमें कम थोड़ा सा आता है, फिर जैसे आप 60, 70, 50 पे ले आते हैं फिर ये बढ़ने लग जाता है। और दूसरा इसको बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को मैं, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है, जाली केप वगैरह इस टाइप से ये, ताकि यहाँ चूहे वूहे जा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें अगर आप लगाएं तो। यहाँ चूहे आराम से इसमें जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं दी हुई अंदर, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ मुझे बेकार लगी इसमें, बाकी तो दोस्तों ओवरऑल बताऊँ आपको तो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, साउंड अच्छा लगा हो या प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो, बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ में प्रेस करें दोस्तों। तो ये कुछ साउंड है दोस्तों इसका, और कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं कुछ ज़्यादा प्ले नहीं कर पाऊँगा, बाकी साउंड इसका आपको पूरा सुनाऊँगा मैं अभी, तो फ्री वाले म्यूज़िक से। बेस बोले तो बेस इसका दोस्तों मिड है, ना ज़्यादा ना कम, और बाकी इसका जो साउंड है दोस्तों पूरा सराउंड साउंड है इसमें, आपको बताना चाहूँगा मैं।
तो दोस्तों इसका जो बेस है मैं आपको बताना चाहूँगा, डीप बेस है, मतलब आपको ना ज़्यादा लाउड मिलेगा ना ज़्यादा लो, मतलब मीडियम वाला बेस है इसमें। और इसका वॉल्यूम आप 100 तक ले जा सकते हैं, और 5 वॉल्यूम तक तो इसमें आवाज़ भी नहीं आती है। 5 के ऊपर 10, फिर 40, फिर ऐसा ऐसा करते करते आप जैसे 50 के ऊपर ले जाएंगे तो इसका साउंड और बढ़ते जाएगा, और 100 पे ले जाने के बाद भी इसका साउंड कहीं से भी कहीं से फटने वाला नहीं है। ये चीज़ें इसमें मैंने देखी है। और इसमें बेस से मतलब आपको उतना ज़्यादा भी नहीं मिलेगा और उतना कम भी नहीं मिलेगा, और सराउंड साउंड है दोस्तों इसमें, तो अगर आप इसको काफ़ी लाउड पे भी चलाएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका हेडेक हो रहा है और साउंड कंफर्टेबल नहीं लग रहा है आपको, मतलब साउंड इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी प्ले करता हूँ मैं ये। वॉल्यूम अप करूंगा मैं, अब 94 मैक्सिमम। ये जो आपने सुना ये 100 पे था मैक्सिमम वॉल्यूम जो थी इसकी, इसके बाद तो फिर आप इसको यहाँ कुछ रख नहीं सकते, ये सारे को उड़ा देगा। देखें आप, इसके बाद फिर इसका साउंड इतना लाउड हो जाता है कि फिर कुछ नहीं आता फिर इसको समझ में। देखें गाइज, फाइनली अपन ने इसको सेटअप कर दिया। देखें इसका जो कवर आया था उसको भी मैंने इसमें लगा दिया ताकि धूल वूल नहीं लगे इसलिए, और ये बार अपन ने यहाँ लगा दी थी। तो फाइनली अब दोस्तों मैं आपको रिव्यू देना चाहूँगा, तो बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इस सिस्टम को लेना चाहते तो ले लें। शुरू में मुझे साउंड कुछ समझ में ना, जब इसको फाइनल मैंने सेटअप किया, देखें जिसके स्पीकर मैंने यहाँ लगाए हैं ये वाले, और उसके अंदर फुल इसके बाद में सेटअप करने के बाद में फिर भैया इसका साउंड आया भाई, कोई नेक्स्ट लेवल है यार, मतलब मज़े ही आ जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले लें, बहुत शानदार साउंड है इसका दोस्तों, बिल्कुल।